ओम शांति। निराकार कल्याणकारी परमपिता परमात्मा संगम युग पर अपवित्र प्रवृत्ति को पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं तो हम बच्चों का कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है, चैरिटी बिगिंस एट होम करना। घर परिवार में रहते हुए लौकिक दुनिया की तरह से ना रहें, क्योंकि हम संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा अलौकिक पिता की संतान अलौकिक हैं, अलालोक हैं। तो वह आत्माएं कैसे भी संस्कार वाली हैं, कोई भी प्रकार का पार्ट हमारे सामने बजाती हैं, तो हमें उनको आत्मिक दृष्टि से देखना है। आत्मिक दृष्टि से देखने से या तो रहम आएगा और या फिर उन आत्माओं को ये पाठधारी हैं यह देखते हुए उन आत्मा के ऊपर तरस आएगा और उनके स्वमान को देखेंगे, स्वयं स्वमान में रहें उन्हें भी स्वमान से देखेंगे। स्वमान से देखने से कि ये आत्मा अनजान है, बेचारी है, तो रहम आना स्वाभाविक है और रहम से उसके प्रति शुभ भावना शुभकामना आएगी। हम उन आत्माओं को देखते हुए अपनी भावनाओं को चेंज ना करें, बल्कि हमारी भावना सदा ही आत्मिक रहे, उनके प्रति शुभ रहे, शुद्ध रहे, सुख देने की रहे, दुआएं देने की रहे। तो आज बाबा ने भी बच्चों को यही कहा है कि जब आप इस आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो आप सदा खुश रहते हैं। और खुशी जानते हैं हम सभी, खुराक भी है और खुशी खजाना भी है। और हम जैसा इस संसार में खुश नसीब कोई नहीं है, ऐसा हमको नशा रहना चाहिए और अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि बाबा हमको इतना ऊंच से ऊंच बना रहा है। और साथ साथ बाबा के गुणों को देखें, सर्वशक्तियों को देखें कि बाबा हम बच्चों के अंदर वो संस्कार भर रहा है जो स्वयं बाबा के संस्कार हैं। साथ साथ बाबा वो संस्कार भर रहा है जो नई दुनिया के संस्कार, नए संसार के संस्कार हैं। तो ऐसे संस्कार हमें यहाँ संगम पर ही धारण करने हैं और सत्युग में प्रैक्टिकल वो संस्कार होंगे। तो आज बाबा के 8 तारीख के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजई के लिए राजयोग सीख रहे हो। क्वेश्चन है, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? आंसर है, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो, हाँ कौन सी बात, नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना, ये महिमा किसकी है? एक बाप की, शिवाय नमा। ऊंच ते ऊंच भगवान है ना, बच्चे जानते हैं वह हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं, गायब भी जाता है, सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार
ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है, ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है, जिससे वर्षा मिलना है। सारे ही बाप बाप हो जाएं, कौन किसको वर्षा देगा? तो ब्रदरहुड कहा जाता है, फादरहुड नहीं है। इससे सिद्ध होता है परमात्मा शिव बाबा सबके अंदर नहीं हैं, हम सब आत्माएं हैं और परमात्मा एक है, आत्माएं अनेक हैं। फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है, उनको कहा जाता है वर्ल्ड गॉडफादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं, सबका गॉडफादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं, एक की ही बंदगी पूजा होनी चाहिए, वह है सतो प्रधान पूजा। यह भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। सदगति कहा जाता है मुक्ति, जीवन मुक्ति को। यह आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहाँ तो ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारे में बात होती है, आवाज़ नहीं होती। तीनों लोगों को तुम जान गए हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि में यह अच्छी रीति बैठा है। मनुष्य सृष्टि के लिए भी गाया जाता है कि यह सृष्टि चक्र लगाती है, उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उनको जानेंगे ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। ऊंच ते ऊंच बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी। लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं ना, वह संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। सत्युग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन। कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। भारत की ही बात है, यह बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते। उन्होंने तो सत्युग को लंबा समय दे दिया है। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सत्युग था, तो किसी की भी बुद्धि में यह बात आती ही नहीं है। अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं, संपूर्ण पति से संपूर्ण पावन बनना है। तो बाप समझाते हैं बा आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है, गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई। यह आत्मा की भेंट की जाती है। यह अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारे जैसा खुश नसीब और कोई है ही नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजा ही के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टर बनाएंगे परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय और कोई बना ना सके। यहाँ महाराज तो कोई है ही नहीं। सत्युग के लिए तो जरूर चाहिए ना, किसको जरूर आना पड़े। तो बाप कहते हैं मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी होती है। अब भक्ति पूरी हुई है और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, यह है नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परम पिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं।
भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तीजरी की कथा, बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, नरसिंह नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट हो जाती हैं वह फिर भक्ति मार्ग में काम आती हैं। तुम अभी समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना, हम भगवान की संतान हैं तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं, कलयुग में क्यों पड़े हैं? परम पिता परमात्मा तो नई सृष्टि रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़ी भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सत्युग के लिए राज्य लेते हैं, सत्युग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी होगी, और भी तो राजाएं होंगे ना, जिसकी निशानी है विजयमाला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजयमाला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ भी कोई नहीं जानते, यह क्यों पूजी जाती है, ऊपर में फूल कौन है? माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे तो बाप बैठ सिमरते हैं, माला बैठ सिमरते हैं कि कहाँ बाहर ख्यालात ना जाए, अंदर राम राम की धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे, बहुत भक्ति करने वालों के लिए समझेंगे कि यह सत्यवादी है। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम करते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता, कहते हैं नोदा भक्ति से मनुष्य मुक्त तो हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं। यह एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको आना ही है, वापिस एक को भी नहीं जाना है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, वैसे यहाँ भी जब विनाश होगा सब आत्माएं जाएंगी तो जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती। हाँ, कैपिटल है दिल्ली, यहाँ ही आसपास सारी राजधानी होगी, समुद्र के किनारे नहीं होगी। ये बॉम्बे आदि तो होंगे ही नहीं, वह तो पहले मच्छी मियानी थी, मछली फंसाने वाले वहाँ रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी मियानी होगी, जैसी थी वैसी बन जाएगी। सत्युग में तो बॉम्बे होती ही नहीं है, वहाँ कोई पहाड़ियाँ आदि भी नहीं होती, कहाँ जाने की दरकार ही नहीं होती। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने, सत्युग में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती, तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। रिंचक भी तकलीफ नहीं होती है। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है, तो बाप कहते हैं लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा तो करना है, स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का कामकाज भी करते हैं, यह भी ऐसे हैं। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है, उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती हैं, यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है, एक पढ़ाई है और एक ही पॉइंट है। कौन सी पॉइंट है? एक ही पॉइंट है, मन मना भाव, इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे, भगवानों वाच्य। वह समझते हैं गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे? कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है, ये लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे, सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़ी मरेंगे,
अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होंगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। सुख के सागर बाप के बच्चे हैं, सब कुछ होगा, नेचुरल कैलेमिटीज आदि और भी सिविल वार आदि होगा, लेकिन बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता, मौत हो तो ऐसा बैठे बैठे हार्ट फेल और खेल क्लास। जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है पिछाड़ी में, ना हॉस्पिटल रहेंगे, ना डॉक्टर रहेंगे, और ना तीन लोग नहीं रहेंगे, ना डॉक्टर, ना हॉस्पिटल, और ना क्रियाकर्म करने वाले रहेंगे। छोटी सी रिहर्सल हुई ना, सबने देखी, अपने ही परिवार वाले अपनों का क्रियाकर्म नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा, सबके प्राण तन से निकलेंगे, मूसलधार बरसात पड़ेगी। मौत में कोई देरी थोड़ी लगेगी, कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाएं जो मनुष्य फट से मर जाएं। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। ये ड्रामा में नोंद है, ड्रामा में बना बनाया खेल है, कल्प कल्प विनाश होता है। सत्युग में तुमको यह ज्ञान रहेगा नहीं, बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है, अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुखधाम शांति धाम जा सकते हैं। तो चार्ट भी रखना पड़े। काफ़ी दिनों के बाद बाबा कह रहे हैं, ये तो समझ गए हो ना, हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। तो बच्चों ने गीत सुना, कौन सा गीत सुना सीमा बहन जी? आखिर वह दिन आया आज जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं, राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी, फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वो द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं, मैं पुजारी नहीं बनता हूँ, देवता ही पूज्य होते, मैं नहीं बनता, ना ही पुजारी बनता हूँ। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। भिखारी भी कोई फट से नहीं बनते, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं के वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, उस समय तो हीरों को काट, हीरे आदि कट कराए लिंग बनाते हैं। शुरू में बाबा का जो मंदिर होता है और शिवलिंग होता है, उसकी प्रतिमा हीरों को काट काट करके बनाते हैं पूजा के लिए। ये किसी को भी पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। यह तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है, मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी। तो पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में आई हो ना, नाम ही हिंदू रख दिया, असुल थे देवी देवताएं। तो बाप कहते हैं, तुम असुल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो, क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। अभी तुम समझते हो हम ही पूज्य थे, अभी संगम युग पर ना पूज्य हैं ना पुजारी। तुम क्या करते हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो
औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है, पूरा पवित्र होंगे तो यह शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो बाप कहते हैं बिल्कुल सहज बात है, बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती। तो बाप कहते हैं ये तो समझते हो, हम आत्मा हैं, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में भोगना होता है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं, बाप कहते हैं हे बच्चे आत्म अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं, निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं, शरीर तो उनको है ही नहीं, तो वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनमें सब गुण हैं। तो बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है, अक्षर ही एक है, कौन सा? मन मनाभव माँ में कम याद करो, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, यह भी जानते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी बनेंगे, हम ही 84 जन्म में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, सृष्टि ये पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। यह तो बुद्धि में बैठता है ना, या नहीं बैठता? बैठता है ना, यह चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम बुद्धि में ये चक्र फिरता रहेगा तो क्या बन जाएंगे? अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर सत्युग में जाकर के, यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी और सत्युग में जाकर के चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, श्रीमत पर पूज्य बनना है, आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान और योग से समाप्त करना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। सेकंड पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। वरदान, गम की दुनिया सामने होते हुए भी, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भाव, आठों शक्तियाँ हमारे अंदर होंगी और उनको प्रैक्टिकल जीवन में यूज करेंगे तो गम सामने होते हुए भी बेगमपुर के बादशाह रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भाव। गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है, गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही है क्या? गम की दुनिया होते भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करना, यही है क्या? है ये अष्ट शक्ति स्वरूप, कर्म इंद्रिय जीत बच्चों की निशानी। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो अपनी शक्ति खो लेते हो तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह कभी भी कंगाल, बेगमपुर के बादशाह भी फिर कंगाल बन जाते हैं। अगर अपनी सर्वशक्तियों को अपने पास रखते हैं तो बेगमपुर के बादशाह हैं, उनमें से एक भी शक्ति की अगर कमी होती तो बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। स्लोगन,
दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। तपस्या की पॉइंट है शक्तिशाली। ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी कब? जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगा, निरंतर बाबा की याद रहेगी। अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है और शक्तिशाली की बजाय कमज़ोर हो जाते हैं। कोई भी चीज़ बार बार धागा है, टूटता है टूटता है तो कितनी गांठें लग जाती हैं और गांठें लगने से कमज़ोर हो जाता है धागा भी। तो यहाँ भी बाबा यही कह रहे हैं कि अगर बार बार लिंक टूटती रहेगी, कब याद कब नहीं, कब याद कब नहीं, तो शक्तिशाली योग नहीं होगा, ज्वालामुखी योग नहीं होगा, कमज़ोर बन जाएंगे। दीदी जी की विशेषता, जितना गंभीर उतना रमणीक। दीदी इतनी अंतर्मुखी रहती जो उनके मुख से कभी व्यर्थ बोल नहीं निकलते, कभी किसी का परचिंतन पर दर्शन नहीं करती। उनके जीवन में गंभीरता के साथ साथ रमणीकता का भी बैलेंस था। वे सभी से अलौकिक चिटचैट करके खूब रिफ्रेश कर देती थी, ज्ञान की चिटचैट करके, जिसको बड़ी दीदी जी कहते थे आइए हम सभी चल करके बैडमिंटन खेलते हैं। तो ये बैडमिंटन खेलना अर्थात अलौकिक चिटचैट करना और ज्ञान की चिटचैट करना। उनके साथ बहुत रमणीकता के खेल पाल भी करती, जिनसे ज्ञान की चिटचैट करती तो बहुत ही रमणीकता के खेल पाल भी करती थी। ऐसी थी हमारी बड़ी दीदी जी। ओम शांति।